सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है, और जिसके पास आशा है उसके पास सब कुछ है। मंजिल पर पहुंचना है तो राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही कदमों की रफ्तार बढ़ा देती हैं। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, पर सच तो ये है कि हम दर्द के साथ जीना सीख लेती हैं। मनुष्य तो अपने कर्मों से महान बनता है, न कि अपने जन्म से। आज का पंचांग 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार, फागुन मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि रात्रि 11:26 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र शाम 4:55 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:04 से 3:33 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:12 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर रात्रि 10:39 तक रहेगी। इसके उपरांत वृषभ राशि पर संचार करेगी, और आज सूर्य कुंभ राशि पर दोपहर 12:38 तक रहेंगी। इसके उपरांत मीन राशि में प्रवेश करेंगी। आप सभी को मीन संक्रांति की शुभकामनाएं। धनुराशि 14 मार्च 2024 दिन गुरुवार, आपको कुछ घटनाओं की तह तक जाना पड़ेगा। वर्तमान की कुछ घटनाओं के लिए वही पुराने कारण जिम्मेदार हैं, जिससे आपकी इज्जत को काफी ठेस पहुंची है। आपको काफी आरक्षित और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश कर सकते हैं। अपने किसी खास योजना को कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। आपका कार्य नियत समय पर सम्पन्न हो जाएगा। दोपहर बाद किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात होने की संभावना है। किसी अनुभवी के सहयोग से आपकी कोई समस्या भी दूर होगी। आपसे जुड़े हुए लोगों के साथ हो रहे विवाद की वजह से आपकी चिंता बढ़ेगी। जिन बातों से आपका संबंध नहीं है उनसे खुद को दूर रखें। ज्यादा सोच विचार और निराशा के कारण सेहत पर बुरा असर हो सकता है। गलत लोगों की संगत से दूर रहें। करियर में जो अवसर मिल रहे हैं उन्हें स्वीकार करते रहें। लोगों की नकारात्मक बातों का असर आपके रिलेशनशिप पर हो सकता है। सेहत में आ रहे उतार चढ़ाव के कारण चिंता बढ़ सकती है। डॉक्टर से उपचार लेना जरूरी होगा। आज का दिन प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोनों को एक लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिलेगा, जिससे दोनों के बीच चल रही अनबन भी दूर होगी। आपको परिवार के सदस्यों से कोई भी बात गुप्त नहीं रखनी चाहिए। यदि आप किसी काम को पूरा करने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे थे तो वह पूरे हो सकते हैं। आपको कोई संपत्ति संबंधित विवाद यदि लंबे समय से विवादित चल रहा था तो उसमें आपको जीत मिल सकती है। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको फोन कॉल के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिलेगी। सावधानियां। किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप विश्वास बनाए रखें तथा परिस्थितियों का सामना करें। आर्थिक निवेश संबंधित गतिविधियों को फिलहाल स्थगित रखने में ही भलाई है। विद्यार्थी घर की किसी समस्या की वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाएंगी। बात करते हैं लव लाइफ की। पिछले कुछ दिनों से आप अपने करियर और नौकरी के मुद्दों में व्यस्त हैं, जिसकी वजह से आपने अपनी परिवार और प्रेम प्रसंगों की उपेक्षा की है। इसलिए समय की मांग है कि जीवन के इन पहलुओं को आप प्रमुखता दें। आप इन मुद्दों की तरफ भी ध्यान आकृष्ट करें, अन्यथा भविष्य में समस्या आ सकती है। बात करते हैं करियर की। आप अपने सभी लक्ष्यों को समय पर पूरा कर लेंगे और कार्य क्षेत्र में शांति का माहौल विकसित करेंगे। लेकिन व्यापार के मामलों में किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करें। धोखाधड़ी की संभावना है। यदि संभव हो तो अपने व्यापारिक सौदों को दूसरे दिन पर टालें और अपनी सहयोगियों की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करें। इस समय ग्रह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहा है। पेमेंट वगैरह कलेक्ट करने का अनुकूल समय है। मशीन कमीशन तथा बीमा संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थिति बन रही है। महत्वपूर्ण फैसले लेने में परेशानी हो सकती है। बात करते हैं सेहत की।
आपकी त्वचा रूखी और बेचैन सी, आपकी त्वचा रूखी और बेजान सी लग रही है। ऐसा केवल बदलते हुए मौसम के कारण ही नहीं बल्कि आपके शरीर के अंदरूनी कारणों के कारण भी हो रहा है। आप कई चीजों की उपेक्षा कर रही हैं। अपने खाने में खूब विटामिन सी और ई शामिल करें, खूब सारा पानी पिए, बिना कटे फल अधिक खाएं, अपने रोज के कार्यक्रम में अभ्यास को शामिल जरूर करें। आज का उपाय, आज आप भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।